नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश में एक बार फिर कोविड की बीमारी का संक्रमण फैल रहा है, जिसके बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे। इस बैठक में कोविड की तैयारियों का जायजा लेने हेतु पूरे देश में 10 व 11 अप्रैल को मॉकड्रिल लेने का निर्णय लिया गया। ऐसे में 10 व 11 अप्रैल को दो दिनों तक समूचे देश में कोविड का संक्रमण बढ़ने की स्थिति में किए जाने वाले कामों और उन कामों को पूरा करने हेतु की जाने वाली तैयारियों के लिए समीक्षा करने हेतु मॉकड्रिल किया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनुकूलता दर्शाई है, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ द्वारा दी गई है। महासंघ के पदाधिकारियों ने सीएम शिंदे के साथ हुई बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने के बारे में सीएम शिंदे के समक्ष अभ्यासपूर्ण भूमिका रखी गई, जिसे लेकर सीएम शिंदे ने अनुकूलता दर्शाई। नागपुर मुंबई महामार्ग पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए अब यह तय किया गया है कि जिन वाहनों के टायर काफी घिसे हुए होंगे उन्हें समृद्धि महामार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अब सभी इंटरचेंज पॉइंट पर समृद्धि महामार्ग से यात्रा हेतु पहुंचने वाले वाहनों के टायरों की कंडीशन को देखा जाएगा और यदि टायरों की कंडीशन अच्छी है तो ही इन वाहनों को समृद्धि महामार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है ताकि ऐसे वाहनों की वजह से समृद्धि महामार्ग पर होने वाले सड़क हादसों को टाला जा सके। अमरावती शहर के मुख्य मार्गों को जोड़ने वाले राजापेट से इरविन की ओर जाने वाले उड़ान पुल के एक्सपांशन जॉइंट की लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत किए जाने के बाद अब यह उड़ान पुल कल शनिवार 8 अप्रैल को दोपहर से शुरू किया जाने वाला है, ऐसी जानकारी लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता अनिल भटकर द्वारा दी गई है। मनपा इमारत को अग्निरोधी यंत्रणा से परिपूर्ण करने के लिए दो कामों के अलग अलग टेंडर जारी होने के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया कि सिविल वर्क और अग्निशमन इन दो अलग अलग काम होने की वजह से दो अलग अलग पृथक टेंडर दिए गए। मनपा की मौजूदा इमारत में अग्निशमन यंत्रणा स्थापित की जा रही है, जिसके लिए पूरी इमारत में लाल रंग की पाइपलाइन और उसके जगह जगह फिक्स पॉइंट व अलार्म आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसी काम का एक दूसरा टेंडर जारी हुआ है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के को अकोला हाईवे पर विगत जून माह में 110 घंटे लगातार निर्माण कार्य जारी रखते हुए 75 किलोमीटर का मार्ग बनाने के काम में सहयोग करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र आज प्रदान किया गया। राजपथ इंफ्राकॉन कंपनी के अध्यक्ष जगदीश कदम खुद सुलभा ताई को यह प्रमाण पत्र देने के लिए आए थे। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी यश खोड़के भी उपस्थित थे। अमरावती शहर और परिसर में आज दोपहर 1:30 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में मेघ इस अंदाज में छाए कि भरी दोपहर को ही शाम का आभास होने लगा। थोड़ी ही देर में बादलों की गड़गड़ाहट और चमकती बिजली के बीच तेज बरसात शुरू हुई। करीब आधा घंटे तक बारिश होती रही। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि विदर्भ के अनेक भागों से बारिश का समाचार मिल रहा है और शनिवार को भी मौसम का यह अंदाज कायम रहेगा। मानधन वृद्धि के लिए राज्य की आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा बार बार आंदोलन किए जा रहे थे, जिसकी दखल देते हुए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानधन में वृद्धि की है। इस निर्णय का लाभ अमरावती जिले की करीब 4,753 आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को होगा। शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में संस्था की संचालिका अंजलि देशमुख द्वारा बताया गया कि इस संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन आगामी 10 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। इस समय राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल प्रमुख तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों में मुख्यमंत्री की माताजी तथा पूर्व शिक्षक विधायक बीटी देशमुख भी उपस्थित रहेंगे। 22 पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आपल्याकडे आता सुरू आहे, पुरेसा स्टाफ आहे का आपल्याकडे? नाही, आमच्याकडे 160 पद सँक्शन पद आहेत, पैकी आम्ही आता 93 लोक कार्यरत आहोत आणि त्यातले 10 लोक डेप्युटेशनवर आहेत। कारण हल्ली म्हणजे गेल्या 5-6 वर्षात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जागा न काढल्यामुळे ती पदभरती झालेली नाही आहे।
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतला सौंदर्यीकरण समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक बीटी देशमुख को भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस समय कोविड काल में उल्लेखनीय काम करने वाले तत्कालीन निवासी उप जिलाधीश नितिन व्यवहारे को कर्तव्य पूर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सर्वसामान्य माणसांना आपला मित्र वाटतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कर्तव्य पूर्ति पुरस्कार प्रदान केला आहे। इथे ही हा पुरस्कार त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अनुकरण करावे या अपेक्षेसह या समितीने दिलेला आहे। त्यानंतर आज गतरोज हनुमान जयंती और सांसद नवनीत राणा के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राणा दंपति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की गई थी, जिस पर पलटवार करते हुए ठाकरे गुट वाली युवा सेना के विभागीय सचिव सागर देशमुख ने कहा कि सांसद नवनीत राणा ने अपने जन्मदिवस के निमित्त विभिन्न विकास कामों को लेकर काफी लंबी चौड़ी विज्ञापनबाजी की थी, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। यह साफ तौर पर इवेंटबाजी और गप्पबाजी थी। सागर देशमुख ने यह भी कहा कि सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा की नौटंकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और बहुत जल्द ही अमरावती शहर से जिले की जनता द्वारा राणा दंपति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राज्य की हजारों ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों हेतु आगामी 18 मई को चुनाव कराए जाने की घोषणा करते हुए आयोग ने कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसके अनुसार 25 अप्रैल से नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे। 8 मई को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण होगा और 18 मई को जरूरत पड़ने पर मतदान कराते हुए अगले दिन शुक्रवार 19 मई को वोटों की गिनती कर नतीजे जारी होंगे। अमरावती जिले की 75 ग्राम पंचायतों की 114 सीटों पर चुनाव होना है। इसी प्रकार दो गांवों में सरपंच पद पर सीधे चयन होगा। आर्थिक वर्ष के अंत में विद्युत बिल भरने से आनाकानी करने वाले ग्राहकों की विद्युत आपूर्ति को खंडित करने की कार्रवाई महावितरण द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत मार्च माह के दौरान अमरावती जिले में करीब 8000 विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटते हुए उनकी बत्ती गुल की गई। साथ ही इस अभियान के तहत महावितरण ने 74,94,00,000 रुपए की बकाया विद्युत बिल की वसूली भी की। विगत दिनों बडनेरा में दुरंतों को स्टॉपेज देने के बाद अब रेलवे ने अमरावती के यात्रियों को साप्ताहिक सीधी सुपरफास्ट ट्रेन देकर पुणे आने जाने की सुविधा प्रदान की है। विगत अनेक दिनों से पुणे स्पेशल ट्रेन की डिमांड हो रही थी, ऐसे में मध्य रेलवे ने पुणे से प्रत्येक सोमवार और अमरावती से प्रत्येक मंगलवार हम सफर एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन आगामी 17 अप्रैल से शुरू होगी, जिसे फिलहाल 2 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर चलाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ऐसे में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस का अवसर साधते हुए आईएमए की अमरावती शाखा की ओर से भव्य वाकेथॉन का आयोजन किया गया था। विश्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में आज माधवबाग साईनगर रोटरी मिडटाउन और माहेश्वरी संगठन ने भी संयुक्त रूप से वाकेथॉन स्पर्धा का आयोजन सुबह 7 बजे किया। इस दौरान रक्त जांच शिविर भी लिया गया। वरुड़ तहसील अंतर्गत वालठोड़ा चांदास में आयोजित यशवंत शंकरपट में सर्वसाधारणगढ़ से यवतमाल जिले के बादशाह रणवीर की जोड़ी ने तथा तहसीलगढ़ से बेढापुर के पंद्रिया भुंडिया की जोड़ी ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही इस बार इस शंकरपट की स्पर्धा में महिला धुरकरियों ने भी हिस्सा लिया। वालठोड़ा चांदास में करीब 40 वर्ष बाद शंकरपट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से अधिक बैलगाड़ियाँ शामिल हुई। अकोला जिले की बारशीटाकली तहसील अंतर्गत कोथली खुर्द गांव स्थित हनुमान मंदिर में कल बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर आयोजित महाप्रसाद में अचानक ही वानरों की एक टोली आ गई, जिन्हें मुंगसाजी महाराज संस्थान की ओर से महाप्रसाद वितरित किया गया। खास बात यह रही कि बंदरों की इस टोली ने बेहद अनुशासित ढंग से पंगत में बैठकर महाप्रसाद का आनंद लिया। साथ ही संस्थान के रामदास महाराज ने भी इस पंगत में वानर सेना के साथ बैठकर भोजन किया। इस पंगत के फोटो व वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खेलने के मामले में 3 सट्टेबाजों को शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित विशेष पथक ने गत रोज गिरफ्तार किया था, जिन्हें स्थानीय अदालत में पेश करते हुए 1 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया। साथ ही इन तीनों आरोपियों का शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सामने भी पेश किया गया। पता चला है कि फ्रेजरपुरा पुलिस पीसीआर की अवधि को बढ़ाने का प्रयास करेगी और सट्टा मामले में कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। धामनगौ रेलवे नगर परिषद कार्यालय के सामने दिलीप किराना नामक दुकान में आज सुबह 8 बजे भीषण आग लगी, जिससे परिसर में भगदड़ मच गई। पालिका कार्यालय के पास ही आग लगने के बाद भी दमकल विभाग का वाहन खराब होने से दमकल विभाग नाकाम साबित हुआ। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए चांदू रेलवे से दमकल दल को बुलाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटनास्थल पर आग बुझाने हेतु पहुंचे चांदू रेलवे दमकल विभाग के एक कर्मचारी को अचानक ही मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरुड़ तहसील के शाहपुर निवासी 27 वर्षीय विलास सिरसाम की लाश कल रात 10 बजे के आसपास कुएं से बरामद हुई, जिसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू दल ने मौके पर पहुंचकर 1.5 घंटे की मेहनत के बाद लाश को कुएं से बाहर निकाला।
नांदगांव पेट एमआईडीसी की फैक्ट्री में काम करते समय संतुलन बिगड़कर क्रेन के नीचे गिरे 24 वर्षीय मजदूर के सिर में कैंची घुस गई, जिससे उस मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के छतरिया जागीर निवासी रमेश कुमार दिवाकर के तौर पर हुई है। अमरावती से सब्जी व कुछ कपड़े लेकर जा रहा ट्रक धारणी से 4 किलोमीटर पहले सुरंग नाले के पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में अमरावती निवासी ट्रक चालक मोहम्मद शाह बाल-बाल बच गया। पता चला कि सुबह 8 बजे चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ा और यह हादसा घटित हुआ। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर गली नंबर 2 में रहने वाली महिला के घर में घुसकर 6 आरोपियों ने क्रिकेट स्टंप से हमला करते हुए महिला का सिर फोड़कर हत्या का प्रयास किया, साथ ही आंगन में रखी स्कूटी की तोड़फोड़ कर दी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नाबालिग सहित 2 फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के मिलचाल नई बस्ती बडनेरा में 2 समूह के लोगों ने हत्या के इरादे से एक दूसरे पर सपासप चाकू चलाए। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ओर से मिली शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र के शिव पार्वती नगर परिसर में पुलिस ने छापा मारकर 1 देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की। साथ ही हथियार तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश निवासी श्रीपति भजनलाल को गिरफ्तार किया। फेसबुक पर घरेलू वस्तुओं की बिक्री का विज्ञापन देखकर लालच में आए एक व्यक्ति ने कमीशन कमाने के चक्कर में 2,06,24 रुपये गंवा दिए। नांदगांव पेट में इलेक्ट्रिक दुकान चलाने वाले उमेश मोर्शे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नांदगांव खंडेश्वर के बेग नाले के पास बंद अवस्था में पड़ी मारुति कार में एक युवक की सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद हुई। यह मामला बदबू फैलने के कारण कल गुरुवार की सुबह उजागर हुआ। आधार कार्ड के जरिए मृतक की शिनाख्त येनस निवासी गजानन कंडसे के तौर पर की गई। वर्धा नागपुर महामार्ग के बोथली जंगल में गुरुवार की रात 9:30 बजे के आसपास भीषण हादसा घटित हुआ, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की जान चली गई। इन दोनों भाइयों की एक्टिवा दुपहिया को कार ने उड़ा दिया। यवतमाल की वणी तहसील में शिंदोला से मोहदा की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने वणी कोरपना मार्ग स्थित आबई फाटे पर विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 35 वर्षीय महिला व उसकी 4 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुर्तियापुर तहसील के जाम्बा बुद्रुक गांव के कुएं में करीब 5 से 6 माह पुरानी सड़ी गली अवस्था में लाश बरामद हुई। लाश इस कदर सड़ चुकी थी कि वह लाश महिला की है अथवा पुरुष की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अकोला के छोटी उमरी परिसर के महादेव मंदिर के पास किराए के घर में रहने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति ने पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिविल लाइन पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अकोला जिले के बारशी टाकली तहसील स्थित धामनदरी गांव के जिला परिषद स्कूल में कक्षा 4 की 4 छात्राओं की 2 शिक्षकों द्वारा आवरू लूटे जाने का मामला सामने आया। यह सिलसिला करीब 2 महीने से शुरू था। यह बात समझ में आने पर छात्राओं के अभिभावकों ने बारशी पुलिस थाने में शिकायत दी और पुलिस ने सुधाकर ढगे व राजेश ताडे नामक 2 शिक्षकों को तुरंत गिरफ्तार किया। साथ ही इन दोनों शिक्षकों को तुरंत निलंबित भी कर दिया गया। सरकारी वृक्षारोपण हेतु 50 लाख रुपए के देयक मंजूर करने के लिए वर्धा के सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रकाश भूप को उनके सरकारी निवास स्थान पर 1 लाख रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 6 मार्च की सुबह वर्धा एसीबी के दल द्वारा की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।